ए बच्ची इधर आओ इधर आओ। हाँ क्या कर रहे तुम यहाँ? बकरा चरा रहे। हाँ। और स्कूल में नहीं है क्या? जी स्कूल में है। रहे तुम? हाँ। कौन से क्लास में? फिफ्थ क्लास में। हाँ। अच्छा बकरा चराने में अच्छा लग रहा है क्या? हाँ। अच्छा लग रहा है। समझो अभी बकरा करते लोग। हाँ। कौन सा बकरा लेना बोला? अच्छा वो बकरे की बहुत ज्यादा है। तो कौन सा बकरे इधर के जंगल में कौन सा बकरे अच्छा रहेंगे? वो क्या आपने ये गावरा नहीं आपने खरीदा? ये गावरा नहीं क्या? हाँ। फिर हाँ। वो उस्मानाबादी और क्या क्या नाम रहता उन बकरे का? बहुत नाम है। जमुना पारी, राजस्थानी जमुना पारी, काठियावाड़ ये बकरे के नाम है। हाँ। तो फिर आपने इधर के जंगल में कौन सा बकरे लेना अच्छा रहेगा? गावरा नहीं है ये। गावरा नहीं क्या? ऐसा है क्या? इनको कुछ भी चलता समझो। खड़ा भी सही नहीं होता। फिर ये बकरिया संभालना अच्छी बात रहती क्या? खेती करना अच्छा रहता क्या? रहता अच्छा जो जिसको जो पता हो जो करता। अच्छा जिसमें ज्यादा पैसे आएंगे वो है ना? पैसे खेती में बहुत आते हैं पर करने वाला ये रखा। ऐसा है क्या? उत्तम खेती। उत्तम खेती है ना। और नौकरी वाले लोग कैसे रहते फिर? कनिष्ठ चाकरी। फिर भी नौकरी वाले लोग खुद को बहुत शायना समझते है ना? खेती वाला सरकारी। खेती वाले लोग ग्रेट रहते है ना? उत्तम खेती। अच्छा मध्यम व्यापार। अच्छा कनिष्ठ चाकरी। कनिष्ठ चाकरी बोलते नौकरी वाले तो छट छूट रहे थे कुछ काम के नहीं। चाकरी वाले तो नौकरी। हाँ हाँ चाकरी करने वाले लोग। हाँ बराबर। तो ये नौकरी वाले लोग कुछ नहीं ऐसे रहते बेटे आकरू नो को। अरे आकरू नो को ना उनको चरने दे। अरे दे ये बकरे अच्छा मतलब दोनों भी कर सकते भाई ना? ये दोनों भी होना बिजनेस। कुछ लोगों के बकरे एकदम खराब रहते हैं ये बकरे अच्छा दिख रहा है मस्त दिख रहा है। क्यों ऐसा? चराना पड़ता उनको टेम चराना पड़ता तब अच्छा रहता है। पेट भर मिला तो अच्छा रहते हैं। हाँ हो गया। खाना पीना नहीं होता झोकंड जाते। कितने साल से मतलब ये बच्चे सरीके थे तब से बकरे चराते? हमारे बकरी दिए थे। हाँ 10 रुपए में दो पटिया 5-5 रुपए में एक एक पटिया दिए थे। 5-5 रुपए में एक एक लिया था। हाँ। अच्छा अच्छा वो सिलसिला मैंने पकड़ा हुआ था अभी तक चालू। बाप रे इतने दिनों से। हाँ। मतलब पूरा का पूरा जिंदगी चली गई है वाला। पर पैसे भी दिए होंगे बकरिया ने है ना? कुछ लोग बकरिया नहीं संभालते सिर्फ खेती करते तो फिर गरीबी रहती उनकी। कुछ न कुछ होना धंधा जो धंधा वो पूरा की व्यवस्था होना ना। कुछ न कुछ होना। कुछ लोग पूरा की व्यवस्था नहीं करते सिर्फ इसके भरोसे रहते खेती के फिर गरीबी रहती तंग हो जाते वो है ना। कुछ न कुछ होना। अच्छा व्यापार कर। बच्चों के वास्ते कुछ बोलेंगे क्या? ये बच्चे क्या करना चाहिए? इन बच्चों ने पढ़ाई करना चाहिए ना। फिर बहुत पछताएंगे बाद में तुम्हारे हमने हमारी जिंदगी कैसी हम छोटे बन में लग गए इसमें हमारे को इसकी कुछ तकलीफ नहीं हुई। आप हमारा जैसा कोर्स हो गई। हाँ। हमारा कोर्स नहीं होगा तुम्हारे को बहुत तकलीफ हुई आज इतना ही है। इन्होंने ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए ना। हाँ। देखो ज्यादा पढ़ाई किया तो अच्छा बनेंगे नहीं। हाँ, तो फिर उधर के नहीं इधर के नहीं धोबी का कुत्ता घाट का भी नहीं। हाँ खंड का नहीं करता। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं बेरोजगार फिरते इधर उधर है ना। उसको क्या बोलते हैं धोबी का कुत्ता ना रखन का ना घाट का ना धोबी का कुत्ता। हाँ घाट का ना घर का। हाँ ये इसलिए ये पढ़ाई सुखनी को जाता था तो रखन करता था ना। हाँ वो भी नहीं कर रहा कौन से काम नहीं कर रहा वो कुत्ता भनक गया है। हाँ ऐसा क्या बोलते धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। हाँ धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का ऐसी कंडीशन होंगी अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो। बराबर है ना। तो ऐसे बहुत सारी बेरोजगारी हो गई अपने देश में क्योंकि बच्चे कंसंट्रेशन नहीं लगाते ना पढ़ाई पर। मतलब लोगों को नौकरी नहीं लग रही। नौकरी कोई कोई बहुत होशियार है। अच्छा बहुत पैसे कमा रहे बैठे बैठे। हाँ हो गया। हाँ कुछ कुछ बहुत होशियार है। बीज वाले खत वाले क्या पैसा कमा रहे बिजनेसमैन लोग खत बेचने वाले कपास का धंधा करने वाले लोग। कपास की थैली एक थैली भी 200-250 रुपए नफा निकालते है तो। हाँ अच्छा ट्रक भर के माल बीजे कितने पैसा नफा हो जाएगा उनको? बहुत पैसा हो जाएगा। मेरे साइकिल में जाना है तो उसको ब्याज लगा दो। हाँ फिर वो कितने पैसे बढ़ बराबर बराबर तो मतलब बिजनेस में खेती भी कर ही रहे थे।
खेती करने वाले ऐसे ही रहेंगे बोला है ना, जो होशियार है वो क्या करता, पीक निकल जाएगा ये बीज खर्चे बाजू डाल देना, फिर वो बिक्री नहीं होता, वो अच्छा रहता फिर। मतलब पैसों का मैनेजमेंट करते वो लोग, पैसे चले आइन टाइम पे देखा जाएंगे तो फिर वो खड्डे में आ जाते फिर। मतलब पैसे बराबर का इस्तेमाल करना, पैसों का मैनेजमेंट करना चाहिए पैसों का। फिर आपने को कितनी लगेंगे पैसे, अपने घर के कितना है, और कमाल के पास आ रहे तो वो डरता नहीं। हाँ, तुम कुछ भी आके जाकर कुछ भी मारेंगे तो तुम्हारे पाँव में काटी नहीं चुकेंगे। हाय पैसे ले लिया 4,000 का बूट, कुछ भी काम काम करते। हाय पैसे लिया 5,000 का ड्रेस, ऐसा रहने वाले 25,000 का फोन पहले बुढ़ा से पेटे बांधते थे, और पेटी के पल्लू में चांदुड़ी रुपए का गट्ठा रहता था ना, तो तलाटी के पास गए 25 से तलाटी होता था, तो दोनों मिल के पत्थर उठाते दो आदमी, हमें किसी पर रख देने के, वो चुपता था उस पैसा गट्ठा चांदुड़ी रुपए का, मुझे भी नहीं देता था वो जमीन की पत्ती। तो ये से पढ़ाई करना जरूरी है, पढ़ाई भूत है रहता के भूत क्या है क्या है उधर हम पूरी खाते चाली की तरफ बोल रहा था हम आ जाएंगे भूत की कुछ नहीं। ये बच्चे बहुत डरते हैं भूत को, क्या करता वो, क्या करता भूत, हमको मार के खा जाता वो। ये सारा जंगल रात और दिन फिर रहे काय का भूतन कुछ नहीं रहता, बराबर है ना। तो चांदी पैसे कुछ मिलते के नहीं, चांदी पैसे इधर उधर, तुम मुझे बोल रहे भूत नहीं रहते, अभी तुम मुझे बोल रहे भूत रहते, देखो भूत नहीं रहता जो माल पे रख कंदा। हाँ माल पे रख कंदा रहते तो भूत रहता, मतलब उसका मतलब जिन जिन आज मुझे हाँ होना जिन कोई जिन कोई भूत उसके चीज को आ गया तो तकलीफ देता नहीं तो कुछ नहीं करता, बस जहाँ बैठ जाएगा तो कुछ नहीं करेगी। हाँ ऐसा है, रहता ना फिर चलो जा रहे।